हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो बात करेंगे बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर के एग्री इंफॉर्मेटिक के वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के बारे में, जो कि दोस्तों परीक्षा में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, मेरा पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? क्या दोस्तों, कंप्यूटर शब्द है जो इसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो दोस्तों, आपको बता दें, इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। दोस्तों, कौन सी भाषा से हुई? लैटिन भाषा से कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई है। दोस्तों, अगला पॉइंट है, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में किस वस्तु का प्रयोग किया गया? क्या दोस्तों, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में किस वस्तु का प्रयोग किया गया? तो दोस्तों, ट्रांजिस्टर वस्तु का प्रयोग किया। किसका गया? ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस, दोस्तों कंप्यूटर के पिता कौन, कंप्यूटर विज्ञान के पिता कौन है? तो दोस्तों, जो कंप्यूटर फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस है, वो चार्ल्स बेबेज। कौन है दोस्तों? चार्ल्स बेबेज हैं दोस्तों कंप्यूटर फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग हुआ था। दोस्तों, जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे, उसमें क्या प्रयोग हुआ था? तो दोस्तों, निर्वात ट्यूब प्रयोग किया। क्या दोस्तों? निर्वात ट्यूब का प्रयोग किया गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लैपटॉप किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? दोस्तों, जो लैपटॉप है, वो किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो दोस्तों, लैपटॉप पाँचवीं पीढ़ी का कंप्यूटर है। कौन सी पीढ़ी का? पाँचवीं पीढ़ी का कंप्यूटर है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का आईक्यू होता है क्या? दोस्तों, कंप्यूटर जो आईक्यू होता है, वो कितना होता है? दोस्तों, कंप्यूटर का आईक्यू शून्य होता है। कितना होता है? शून्य होता है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर के आविष्कारक थे। दोस्तों, जो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बना, तो उसको किसने बनाया था? उसके आविष्कारक कौन थे? तो दोस्तों, इसके आविष्कारक एंटानासोव थे। कौन थे दोस्तों? एंटानासोव ने प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार किया था। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की चिप किससे बनाई जाती है? दोस्तों, कंप्यूटर की चिप होती है, वो किससे बनाई जाती है? तो दोस्तों, आपको बता दें, कंप्यूटर की चिप सिलिकॉन से बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है? सिलिकॉन से बनाई जाती है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, संग्रहण क्षमता रखने वाला प्रथम कंप्यूटर था। दोस्तों, जो संग्रहण क्षमता रखने वाला प्रथम कंप्यूटर था, वो कौन सा था? तो दोस्तों, EDSAC था। क्या दोस्तों? EDSAC था। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, सुपर कंप्यूटर में प्रोसेसर की संख्या होती है। दोस्तों, जो सुपर कंप्यूटर होता है, तो उसमें प्रोसेसर की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों, सुपर कंप्यूटर में प्रोसेसर की संख्या मोर देन वन होती है। कितनी होती है दोस्तों? एक से अधिक होती है। कितनी होती है दोस्तों? एक से अधिक होती है। दोस्तों, लैपटॉप का दूसरा नाम है। अगला मेरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों? लैपटॉप का दूसरा नाम क्या है? तो दोस्तों, जो लैपटॉप का दूसरा नाम वो नोटबुक कंप्यूटर। क्या दोस्तों? नोटबुक कंप्यूटर लैपटॉप का दूसरा नाम है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पीसी का अर्थ है। दोस्तों, पीसी का अर्थ क्या है? तो दोस्तों, पीसी का अर्थ है पर्सनल कंप्यूटर। क्या दोस्तों? पर्सनल कंप्यूटर पीसी का अर्थ है। दोस्तों, अगला पॉइंट है, एमएस एक्सेल में वैल्यू होती है। दोस्तों, एमएस एक्सेल में वैल्यू होती है किसकी होती है? तो दोस्तों, सेल में भरी हुई संख्या की। किसकी होती है दोस्तों? सेल में भरी हुई संख्या की एमएस एक्सेल में वैल्यू होती है, सेल में भरी हुई संख्या की। दोस्तों, अगला पॉइंट है, एमएस पावर पॉइंट है। दोस्तों, एमएस पावर पॉइंट क्या है? तो दोस्तों, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। क्या दोस्तों? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है एमएस पावर पॉइंट। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोग्राम में दिए गए निर्देशों की भाषा होती है। क्या दोस्तों? कंप्यूटर प्रोग्राम में दिए गए निर्देशों की भाषा होती है। तो दोस्तों, ये कंप्यूटर लैंग्वेज होती है। क्या होती है दोस्तों? कंप्यूटर लैंग्वेज होती है। अगला क्वेश्चन है, मशीनी भाषा को कहते हैं। दोस्तों, जो मशीनी भाषा होती है, इसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों, मशीनी भाषा को लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। निम्नतर स्तर की, जो निम्न स्तर की भाषा होती है, उसको कहते हैं लो लेवल लैंग्वेज। दोस्तों, बेसिक भाषा क्या है? तो दोस्तों, बेसिक भाषा जो होती है, वो हाई लेवल लैंग्वेज होती है। क्या दोस्तों? हाई लेवल की जो भाषा होती है, उसे बेसिक भाषा कहते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, फेसबुक का प्रयोग कितने प्रतिशत सोशल मीडिया करता है? दोस्तों, फेसबुक का प्रयोग होता है, वो कितने % सोशल मीडिया करता है? तो दोस्तों, 73% करता है। कितने करता है? 73%। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
किसान कॉल सेंटर का प्रारंभ कब हुआ? ये दोस्तों अधिकतर पूछ रहे था कि किसान कॉल सेंटर का प्रारंभ हुआ, तो दोस्तों ये 2004 में हुआ। कब हुआ था? 2004 में किसान कॉल सेंटर का प्रारंभ हुआ था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 4G संतति मोबाइल सेवा किस वर्ष विश्व में प्रारंभ हुई? दोस्तों जो 4G संतति मोबाइल सेवा है वो किस वर्ष विश्व में प्रारंभ हुई? तो दोस्तों ये 4G संतति मोबाइल सेवा है वो 2006 में प्रारंभ हुई। कभी 2006 में प्रारंभ हुई दोस्तों, कभी 4G मोबाइल सेवा ये 2006 में प्रारंभ हुई। अगला पॉइंट है, सोशल मीडिया के प्रमुख माध्यम है। दोस्तों सोशल मीडिया के प्रमुख माध्यम क्या है? तो दोस्तों सोशल मीडिया के प्रमुख माध्यम गूगल है, फेसबुक है, ट्विटर है। क्या दोस्तों? गूगल, फेसबुक, ट्विटर। दोस्तों और भी इसके अलावा हैं, आदि हैं सोशल मीडिया के प्रमुख माध्यम। दोस्तों ये प्रमुख हैं, और भी इसके माध्यम होते हैं। तो गूगल, फेसबुक, ट्विटर ये प्रमुख माध्यम हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, HLL का मतलब क्या होता है? दोस्तों HLL का मतलब तो पता ही, हाई लेवल लैंग्वेज। क्या दोस्तों? हाई लेवल लैंग्वेज। फिर भी कभी कभी लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं HLL में, पर इसका मतलब हाई लेवल लैंग्वेज होता है HLL का मतलब। अगला क्वेश्चन है, कौन सी डिवाइस अधिकतम मात्रा में डेटा स्टोर करती है? दोस्तों कौन सी डिवाइस है जो अधिकतम मात्रा में डेटा का स्टोर करती है? तो दोस्तों ये है हार्ड डिस्क। क्या दोस्तों? हार्ड डिस्क अधिकतम मात्रा में डेटा का स्टोर कर सकती है। दोस्तों अगला पॉइंट है, GUI का तात्पर्य है। GUI का तात्पर्य क्या है? तो दोस्तों जो GUI का तात्पर्य वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। क्या दोस्तों? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI का तात्पर्य है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेटवर्क के रूप में जाना जाता है, जो नेटवर्कों के नेटवर्क होता है उसे किस रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों नेटवर्कों के नेटवर्क को इंटरनेट के रूप में जाना जाता है। क्या दोस्तों? इंटरनेट के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्या दोस्तों? ऑपरेशन फ्लड एक है। ऑपरेशन फ्लड एक क्या है? तो दोस्तों ऑपरेशन फ्लड है वो डेयरी क्षेत्र के प्रदर्शन को बढ़ाने का मिशन है। क्या दोस्तों? डेयरी क्षेत्र के प्रदर्शन को बढ़ाने का एक मिशन है। डेयरी का क्षेत्र के प्रदर्शन को बढ़ाने का एक मिशन है ऑपरेशन फ्लड। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, असेंबलर परिवर्तित करता है। क्या दोस्तों? असेंबलर परिवर्तित करता है। तो दोस्तों ये परिवर्तित करता है असेंबली कोड को मशीन कोड में। क्या दोस्तों? जो असेंबली कोड होता है उसे मशीन कोड में असेंबलर परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन है, DBMS का पूरा नाम क्या है? दोस्तों क्या? DBMS का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों DBMS का पूरा नाम है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या दोस्तों? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS का पूरा नाम है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट पर एक कंप्यूटर की पहचान किसके द्वारा की जाती है? दोस्तों इंटरनेट पर एक कंप्यूटर की पहचान किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों ये आईपी एड्रेस के द्वारा की जा सकती है। किसके द्वारा? आईपी एड्रेस के द्वारा इंटरनेट पर एक कंप्यूटर की पहचान की जा सकती है, आईपी एड्रेस के द्वारा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, URL का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों जो URL है उसका पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों URL का पूर्ण रूप है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या दोस्तों? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL का पूरा रूप है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कौन सी कमांड डिस्क की वर्तमान डायरेक्टरी की सामग्री को सूचीबद्ध करता है? क्या दोस्तों? कौन सी कमांड डिस्क की वर्तमान डायरेक्टरी की सामग्री को सूचीबद्ध करता है? तो दोस्तों क्या करता है? DIR करता है। क्या करता है? DIR सूचीबद्ध करता है। कौन करता है दोस्तों? DIR। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सटीक खेती में सबसे महत्वपूर्ण तकनीक कौन सी है? दोस्तों सटीक खेती में सबसे महत्वपूर्ण तकनीक है वो कौन सी है? तो दोस्तों आपको बता दें, GPS तथा उपग्रह नेविगेशन। दोस्तों उपग्रह नेविगेशन मतलब सैटेलाइट नेविगेशन के द्वारा जो खेती की जो तकनीकी है वो सबसे सटीक खेती करने की तकनीक है, GPS के द्वारा और उपग्रह नेविगेशन के द्वारा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है,
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सॉफ्टवेयर है। जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सॉफ्टवेयर वो क्या है दोस्तों? ये एक एप्लीकेशन है। क्या है दोस्तों? ये एक एप्लीकेशन है। क्या है? एप्लीकेशन है। अगला पॉइंट है दोस्तों, कौन हमें एक ही पत्र को अलग अलग लोगों को भेजने में सक्षम बनाता है? दोस्तों क्या, कौन मतलब क्या चीज़ है जो हमें एक ही पत्र को अलग अलग लोगों को भेजने में सक्षम बनाता है? तो दोस्तों मेल मर्ज के द्वारा हम एक ही पत्र को अलग अलग लोगों को भेजने में सक्षम बनाता है। जो मेल मर्ज होता है इसके द्वारा हम अलग अलग भेज सकते हैं एक ही पत्र को। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सटीक खेती या कृषि को किस रूप में जाना जाता है? दोस्तों सटीक कृषि होती है उसे किस रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों इसे सेटेलाइट खेती के रूप में जाना जाता है। किस रूप में? सेटेलाइट खेती के रूप में सटीक कृषि को जाना जाता है। तो दोस्तों ये कुछ आज के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो दोस्तों आप लोग साथ में शेयर किए। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों अगर इस वीडियो को PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। तो दोस्तों आप उसे ज्वाइन करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों इसी तरह मिलते हैं अगले वीडियो में। चलते हैं, जय हिंद।